झारखंड विधानसभा 2024 चुनाव का शंखनाद हो चुका है और अब सभी राजनीतिक दल मैदान में उतर चुके हैं। वहीं प्रचार प्रसार तेजी से शुरू हो चुका है। झारखंड में दो चरणों में इस बार मतदान होने जा रहा है और मतदान को लेकर सभी राजनीतिक पार्टी अब जनता के बीच भी जा रही है। इसी बीच हटिया विधानसभा क्षेत्र से इंडिया अलायंस के कांग्रेस प्रत्याशी अजय नाथ शाहदेव भी जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। इतना ही नहीं, हटिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी गली कस्बों और मोहल्लों में घूम घूम कर जाकर लोगों की समस्याओं की जमीनी हकीकत जानने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं अजय नाथ शाहदेव ने बात करते हुए कहा कि इस बार हटिया की जनता का जनाधार इंडिया अलायंस के साथ और एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मौका दिया जा रहा है। नहीं छोड़ेंगे और हम लोग का विचार है, पूरे हम लोग का जो हम लोग यहाँ पे वोटर है और हम लोग का जो समस्या है, तो हम लोग देखे कि बार बार तीन बार हम लोग के बीच में नवीन जायसवाल जी रह चुके हैं, उनका भी देखिए कुछ हद तक काम बहुत बढ़िया है, हम उसको भी अति नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग का विचार में एक हम लोग का एक जहन में आया कि मतलब हम लोग को एक बदलाव की ज़रूरत है और हाँ एक हम लोग का मन में बदलाव का विचार बन चुका है और बदलाव का मतलब विचार बनाने का कारण यही है कि बदलाव के कारण हम लोग के बीच में जो हम लोग हमारे भी समस्या है विस्थापित का जो मैटर है मुद्दा है, जैसे हम लोग अभी के जैसे देख ले ये पूरा गांव विस्थापित क्षेत्र है, यहाँ पे जितना भी सारा चीज़ बन रहा है सब विस्थापित रैयतों के जमीन पे ही बन रहा है, लेकिन अभी तक का हम लोग का जमीनी समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। सबसे पहले तो हम ये हटिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बोलेंगे, जैसे कि अभी हेमंत सरकार के द्वारा से मैया सम्मान योजना का जो योजना निकाला गया, इसे हम अपने व्यक्तिगत तौर पे हमको इससे खुश नहीं है। 1000 दे के मेरे ख्याल से ये वोट खरीदने वाला बात है, ये 1000 जो अभी 5000 करोड़ रुपया हर महिला का बेच के खत्म कर दिया। देखिए क्या करेंगे, देखिए उधर जाइए भैया, 4 या 10 कदम जाइए, चारों कोना से हम लोग को टापू जैसा ही छोड़ दिया है, बताइए। हाँ वो भी खत्म हो गया। उधर जाइएगा अगर कोई नया आदमी जा रहा है, उधर विधायक आवास बन रहा है, उधर अगर हम लोग का नया आदमी आएगा कोई 4 कदम जाएगा पीछे तो गिर के गड्ढा में गिर जाएगा। नहीं है पूजा करने के लिए, कुछ विस्थापित हो के हम लोग के यहाँ मंदिर पूजा करने के लिए नहीं है। हम लोग का गाँव का एक तो पहचान होना चाहिए ना कि हाँ चलिए यहाँ है, कुछ नहीं है, मंदिर न मरे ना मंदिर कुछ नहीं। हम लोग का कोई मीटिंग होता है तो एक तो हम लोग को ये समुदाय भवन एक तो होना चाहिए, वो भी हम लोग के लिए नहीं है। तो यही आपसे हम लोग से निवेदन है कि हम लोग का ये समस्या भगवान ये आधे ना से आधे से यही निवेदन है कि हम लोग का ये चीज़ तो सबसे पहले हम लोग का मंदिर जो होता है पूजा, जब भगवान ही है तब सब कुछ है, यही इसीलिए आप लोग से निवेदन है कि हम लोग का मंदिर अजीना सहदेव भैया से कहते हैं कि जिससे जितने के बाद पहले यही निवेदन कहते हैं कि सबसे शुरुआत करें मंदिर। हटिया की जनता जो है इस चुनाव को लड़ रही है ऐसे कि वो खुद लड़ रहे हैं। इस बार जो है हमारे इंडिया गठबंधन के साथियों के अलावा एक बड़ी संख्या में यहाँ के जो आम लोग हैं वो इस चुनाव को खुद लड़ रहे हैं, खुद प्रत्याशी की तरह लड़ रहे हैं, खुद वो अजीना सहदेव ऐसे लड़ रहे हैं और ये एक बड़ी बात है कि जब इतने लोग जो आपके साथ में चलते हैं और इसमें सभी धर्म सभी समुदाय सभी वर्ग के लोग हैं, ये मेरे लिए एक बड़ी बात है, एक बड़ा अचीवमेंट है कि हम सारे लोगों को लेके साथ चल रहे हैं और सबका विकास और सबको साथ लेके चलने की जो परंपरा कांग्रेस पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी विस्थापितों के भी साथ रही है, ये विस्थापित गाँव है और इन विस्थापितों के लिए भी हमें काफ़ी कुछ करना है और विस्थापितों को उनका हक अधिकार फिर से दिलवाना पड़ेगा हमें। सर आप मैदान में उतर चुके हैं, मुख्य मुद्दा क्या रहेगा, अजीना सहदेव का मुख्य मुद्दा, पार्टी का मुख्य मुद्दा क्या रहेगा और किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए जनता के बीच में बिल्कुल सिंपल है मेरा फॉर्मूला, कोई उसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जनता के साथ हम एक भाई के रूप में जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख पर उनके साथ रहें। हमारे क्षेत्र में कभी भी कि पैसे के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुके, पैसे के अभाव में किसी की शिक्षा ना रुके, ये मेरा वादा है इन लोगों के साथ। और यहाँ पे सरकारी स्कूलों की स्थिति को सुधारने के बाद काम करना है। यहाँ के जो लोग हैं वो रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं, उन्हें रोज़गार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े और यहाँ के जो हेल्थ जो सेंटर्स हैं उनको और बेहतर करने की और इस पूरे क्षेत्र में जो HEC क्षेत्र है नगड़ी रातों मिला के एक सरकारी अस्पताल की ज़रूरत है वो हम लोग बना के यहाँ पर देंगे।